नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। होली में खेले मतवारो, हुरंगा है दाऊजी महाराज। होली तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ब्रजमंडल में अभी फाग मास के रंगों की खुमारी उतरी नहीं है। बलदेव की इस नगरी में होली के दूसरे दिन हुरंगा खेलने की परंपरा है। हुरंगा खेले बिना फाग मास का ये मधुमास यहाँ अधूरा माना जाता है। ऐसे में यहाँ का हुरंगा मंदिर रंगों की अद्भुत मनोहारी छटा का साक्षी बना। सदियों से इस परंपरा को यहाँ इसी तरह से निभाया जाता रहा है। यहाँ धार्मिक मान्यता ऐसी है कि इस दिन ब्रजमंडल साक्षात जीवंत हो उठता है। माना जाता है कि यहाँ की रज रज में कृष्ण प्रेम की आसक्ति लिए गोपियां खुद लीन हैं। यहाँ ऐसी आस्था है कि इस दिन यहाँ हुरियारे और हुरियारिने गोप और गोपियों का स्वरूप हो जाते हैं। सदियों से ये परंपरा मंदिर के प्रांगण में इसी तरह से निभाई चली आ रही है। हुरंगा मंदिर के परिसर में अबीर गुलाल जल और पुष्प वर्षा के बीच हुरियारिनों ने हुरियारों के नंगे बदन पर प्रेम स्वरूप खूब कोड़े बरसाए। ढोल नगाड़ों की थाप और भक्ति के आनंदित गीतों के बीच इस दृश्य ने मानो इस पवित्र धाम को सजीव कर दिया। इसमें शामिल हुए श्रद्धालु आनंद विभोर हो उठे। होली के अगले दिन खेले जाने वाले हुरंगा की अपनी बड़ी मान्यता है। होली में जहां ब्रजमंडल वासी भगवान कृष्ण के भाव में विभोर रहते हैं, तो वहीं हुरंगा में वे बलदेव जी के लिए आस्थावान रहते हैं। गोस्वामी कल्याण देव जी के वंशज पांडेय समाज के लोग ही ये हुरंगा खेलते हैं। यहाँ मंदिर की छत से गुलाल एवं पुष्पों की वर्षा की जाती है। हुरंगा के इस मनोहर खेल में हुरियारी ने झंडा छीनने की कोशिश करती हैं, तो वहीं गोप स्वरूप हुरियारे इस झंडे को उनसे बचाते हैं। इसकी छटा ऐसी रहती है कि यहाँ श्रद्धालु बरबस बोल पड़ते हैं, देख देख या ब्रज की होरी ब्रह्मा मन लल चाबे। यानी ब्रज के इस मनोहारी दृश्य को देखकर खुद ब्रह्मा जी का मन भी ललचा उठता है। प्रतीकों में यदि समझने की कोशिश करें तो पुरुषों पर प्रेम स्वरूप कोड़े बरसाती है महिलाएं समाज में अपने विशेष स्थान को दर्शाती हैं, जहां भक्ति के कारण सही सही लेकिन स्त्रियों को मजबूत स्थान दिया गया है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।